हेलो फ्रेंड्स, आई एम रंजीत पटेल। आप देख रहे हैं टेक्निकल यूट्यूब चैनल में, आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ब्लॉगर पे आप क्वेश्चन बेस्ड वेबसाइट कैसे क्रिएट करेंगे, वो भी 10 मिनट में। और आप उससे आप एनी टाइप्स क्वेश्चन उस पर डिफाइन कर सकते हैं और उसका आंसर आप डिफाइन कर सकते हैं, और अच्छा खासा अपनी ट्रैफिक पे क्वेश्चन नॉलेज नॉलेज आप उसमें गूगल एडसन की ऐड लगा के अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। मंथली आप $100 अर्न कर सकते हैं और अपनी ट्रैफिक वेबसाइट में ट्रैफिक भी ला सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन बेस्ड वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, क्वेश्चन बेस्ड और एग्जाम नॉलेज जनरल को लास्ट तक जरूर देखना। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। जय हिंद। रन टेक्निकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब की बटन पर प्रेस करें, घंटे की बटन पर प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें, शेयर एंड कमेंट करें। ओके फ्रेंड्स, आगे लैपटॉप स्क्रीन की तरफ जो मैं आपको डेमो दिखाता हूँ कि किस टाइप से आपकी क्वेश्चन बेस्ड वेबसाइट होगी। ये वेबसाइट है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रियल डेटा टाइप्स इन सी। ये क्वेश्चन है, इसके आंसर है। आप इस पे सही पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रीन कलर आएगा, और आप रॉन्ग पर क्लिक करेंगे तो रेड कलर का आएगा। मैं यहाँ पे रॉन्ग सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखो फ्रेंड्स, ये रॉन्ग है। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ये काउंट होते जा रहा है, काउंट होते जा रहा है, जो राइट है तो राइट है, गलत है तो गलत। ये देखो फ्रेंड्स, गो टू 9 out of 25 आंसर करेक्ट। 25 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन है जो करेक्ट हैं। दिस स्कोर दैट्स 36%। आप इसमें ट्राई अगेन, दोबारा भी आप इस क्वेश्चनों को टेस्ट दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये डेमो हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उस कोड में कैसे एडिटिंग करना है मैं आगे चल के बताऊँगा। उसमें एनी टाइप्स क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, जिस भी फील्ड का आपको नॉलेज हो आप उस फील्ड के क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जनरल नॉलेज, कंपनी कंपनी बेस क्वेश्चन, एंड एफटी सरकारी जॉब, आप एनी टाइप क्वेश्चन यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं और आप टेस्ट बेस वेबसाइट बनाकर अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये डेमो हो गया। अब मैं आपको ये इस वेबसाइट का कोड है, ये कोड है, इसमें थोड़ा सा आपको एडिटिंग करना पड़ता है। ये यहाँ पे क्यू, ये यहाँ से यहाँ तक एक क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ तक एक क्वेश्चन है। अब जैसे आप ये क्वेश्चन है, आप अपना क्वेश्चन अगर इसमें ऐड करेंगे तो इसमें आपका चार ऑप्शन रहते हैं, चार ऑप्शन। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको डिलीट करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है जो आपको क्वेश्चन ऐड करना है, वो यहाँ पे आप कॉमन देख लेना, क्योंकि अगर इसमें एक भी मिस्टेक हुई तो आपका कोड रन नहीं होगा। और ये ऑप्शन है, यहाँ पे आप चार जो ऑप्शन आप कोड क्वेश्चन ऐड करोगे उसी के ऑप्शन यहाँ पे लिख देना, और यहाँ पे जो भी आंसर है, जो भी मतलब जो भी इस क्वेश्चन का आंसर है उसको यहाँ पर लिख देंगे, तो कोई भी स्टूडेंट या कोई भी टेस्ट देने वाला यूज़र अगर इस नंबर पर क्लिक करेगा तो उसका क्वेश्चन आंसर राइट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया। अब मैं आपको एक ऐड करके दिखाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है जो मेरे को ऐड करना है। ये लिखा है द कीवर्ड यूज टू ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम अ फंक्शन बैक टू द कॉलिंग फंक्शन इज। मैं ये क्वेश्चन है, इसके ये चार ऑप्शन है। ओके फ्रेंड्स, इसको कॉपी करना है, कोड पर आना है, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन, यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है, इसको कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, फिर इसके ऑप्शन
यहाँ पे कॉमा का विशेष ध्यान दें। को मैंने अब सेव कर दिया। ओके फ्रेंड्स, अभी डिफाइन नहीं किया, इसका आंसर 4 और सेव है, इस पर क्लिक करना। डिफाइन नहीं किया तो इसलिए रिफ्रेश करता हूँ। इसी टाइप से आप काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें ऐड कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है इसमें 4th नंबर का जो मैंने क्वेश्चन ऐड किया है उसका आंसर आपको पता होना चाहिए, और उसका आंसर आपको 4th नंबर पे कोडिंग के थ्रू आपको डिफाइन करना है। और यहाँ पे कोई भी यूज़र आएगा, अगर स्विच रॉन्ग आंसर पर क्लिक करेगा तो रेड कलर शो होगा, अगर करेक्ट आंसर पे क्लिक करेगा तो ग्रीन कलर शो होगा। ये देखो फ्रेंड्स, ये राइड है और नेक्स्ट हो जाएगा। इसका स्कोर आप जब इसमें पूरे क्वेश्चनों में टिक लगा लेंगे ऑप्शन में, और तो उसमें का आपको ओवरव्यू स्कोर आपको शो करा देगा कि आप कितना क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, कितना परसेंटेज स्कोर हुआ है। ये देखो फ्रेंड्स, ये कोड है, इस कोड को आप एडिट करके जितना चाहे इसमें क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। 25, 30, 50, 20, 10 इस टाइप से एडिट करके आप इसमें, यहाँ से आपको कॉपी करना है। इसको कॉपी करना है एंड यहाँ पे पेस्ट करना है और सेव एज पर क्लिक करना है। जितने चाहे आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जितना चाहो आप इसमें क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं इसी टाइप से। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको यह टाइटल दिया है जो उसको मैं चेंजेस करके दिखाऊंगा। आपको इसके कोडिंग पार्ट पे आना है और यहाँ पर क्लिक करना है सी प्रोग्रामिंग क्वेश्चन। आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, जैसे मैं सी प्रोग्रामिंग कोडिंग क्वेश्चन कर देता हूँ और सेव पर क्लिक कर देता हूँ। सेव कर दिए, यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करते हैं। ये देखो, सी प्रोग्रामिंग कोडिंग क्वेश्चन, ये आपका टाइटल को अपडेट कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आप ब्लॉगर पे कैसे स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट करेंगे। आप ओनली इसी वेब पेज को होस्ट करेंगे ब्लॉगर पे। आपको ब्लॉगर अकाउंट पर आना है, यहाँ पे न्यू ब्लॉग पर क्लिक करना है, यहाँ पे लिखना है ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट रखना है अपना ब्लॉग का टाइटल। यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट, क्रिएट पे, क्रिएट पर क्लिक करना है। ये देखो फ्रेंड्स, सक्सेसफुल ब्लॉग क्रिएट हो गया है। अब आपके इसके लेआउट, ओके फ्रेंड्स, इस कोड का लिंक
मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जीए कोड है कि आपके थीम्स को ब्लैंक कर देगा, पूरा ब्लैंक कर देगा, जिससे आप स्टैटिक वेबसाइट को आसानी से होस्ट कर सकते हैं अपने ब्लॉगर पे। ओके फ्रेंड्स, इसको कंट्रोल है, कंट्रोल सी करना है, अपने ब्लॉगर के एडिट एचटीएमएल पर जाना है, इस पर कंट्रोल ए करना है, कंट्रोल भी कर देना है और सेव एज पर क्लिक कर देना है। ये सेव हो गया। अब आप अपनी लेआउट पर जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे पेज को। ये देखो फ्रेंड्स, मैन ऐड अ गैजेट आ गया, बाकी पूरा ब्लैंक हो गया। तो इसका व्यू ब्लॉक पर भी क्लिक करेंगे तो ये पूरा ब्लैंक हो गया। अब इस पर ऐड गैजेट पर क्लिक करेंगे, HTML जावास्क्रिप्ट को ऐड करेंगे, और ये कोड को कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे और सेव एज पर क्लिक कर देंगे। ये देखो फ्रेंड्स, सेव हो गया है। अब इसका मैं व्यू ब्लॉक पर क्लिक करता हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, ये देखो सी प्रोग्रामिंग कोडिंग, ये आपका पूरा ब्लैंक आ गया। आपका जो पेज आपने प्रोग्रामिंग के थ्रू क्रिएट किया है उसी टाइप से पूरा पेज क्रिएट हो गया। ओके फ्रेंड्स, जाते जाते एक बार और बोल रहा हूँ, रन टेक्निकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर आपको जो भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं।